नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हो जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवसायिक संगठन का यहां पर एम सी क्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे यहीं से आने वाले अगर आपने सारे के सारे पूरे की पूरी वीडियो अच्छे प्रकार से देखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है ठीक है तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर तो बहुत ही ध्यान से देखेगा एक एक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तो भाई यहां पर क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने तो फटाफट क्वेश्चनों को देखना है बहुविकल्पी क्वेश्चन मतलब क्या हो जाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है थीके? 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 तो यहाँ पर तो पर नंबर पहली बात तो ये टाइप क्या होगा टाइप हो जाएगा अपना व्यवसायिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या व्यवसाय से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखा है व्यवसाय से क्या आशय है व्यवसाय से क्या आशय है आपको बताना है माल का क्रय विक्रय वैदरेखाए सेवाओं का क्रय विक्रय उपभोक्ता उपयोगिताओं का सर्जन या फिर माल एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा व्यवसाय से क्या आज से है तो व्यवसाय से आस हो जाएगा माल एवं सेवाओं कर सेवाओं के क्रय विक्रय के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वह करना तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यवसाय का अर्थ है व्यवसाय का अर्थ क्या होता है व्यापार उद्योग वाणिज्य या फिर उपयुक्त सभी तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा देखो तो व्यवसाय का जो अर्थ होता है वो व्यापार भी होता है उद्योग करना भी होता है वाणिज्य भी होता है तो राइट आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यवसाय का उद्देश्य है व्यवसाय का उद्देश्य क्या है आपको बताना है लाभ कमाना सेवा करना उपयुक्त और तो ब दोनों इनमें से कोई नहीं तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना भी होता है और सेवा करना भी होता है ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा ठीक है यह दोनों आवरबा दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां रखा है व्यवसाय का क्या उद्देश्य है जो व्यवसाय है उसका क्या उद्देश्य है आपको बताना है पैद रखा है उपयोगिता का सर्जन लाभ कमाना सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना या फिर लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना बिल्कुल व्यवसाय का क्या उद्देश्य है तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दाह हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यवसाय के दो प्रमुख आधार निम्न में से कौन से हैं व्यवसाय तो के दो प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन से हैं आपको बताना है उद्योग और वाणिज्य उद्योग और व्यापार उद्योग तथा व्यवसाय व्यवसायिक एवं वाणिज्य तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है अपना व्यवसाय के दो प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन से हैं तो वह हो जाते हैं उद्योग और वाणिज्य क्या होंगे उद्योग और वाणिज्य तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने का कार्य को करते हैं कार्य को कहते हैं सॉरी कहते हैं ना तुम कच्चे माल को निर्मित माल में कच्चे कह रहा है कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने का कार्य को कहते हैं क्या कहते हैं आपको बताना है उद्योग वाणिज्य व्यापार या फिर व्यापार के सहायक तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने का कार्य को कहते हैं क्या कहते हैं भाई उद्योग कहते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है निम्न में से किसका क्षेत्र बड़ा है तो बड़ा क्षेत्र किसका है आपको बताना है व्यवसाय वाणिज्य उद्योग और व्यापार तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा निम्न में से किसका क्षेत्र बड़ा है तो किसका हो जाएगा व्यवसाय का वाणिज्य का उद्योग का या फिर व्यापार का तो राइट आंसर होगा वाणिज्य का निम्न में से सबसे बड़ा क्षेत्र मतलब किसका बड़ा क्षेत्र हो जाएगा तो वह हो जाएगा वाणिज्य का ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन खान से कोयला निकलना है खान से कोयला निकलना क्या है निष्कर्षण उद्योग या फिर निर्माण उद्योग जननिक उद्योग रचनात्मक उद्योग तो खान से कोयला निकलना कैसा उद्योग है ये अपना हो जाता है निष्कर्षण उद्योग क्या निष्कर्षण उद्योग राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भवन सड़क के पुल नहर आदि बनाना किस उद्योग के के अंतर्गत आता है तो भवन सड़क पुल नहर आदि बनाना किस उद्योग के अंतर्गत आता है बताना है खनन एवं उत्पादित उत्पत्ति उद्योग रचनात्मक उद्योग निष्कर्षण उद्योग या फिर निर्माणी उद्योग तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा देखो भवन सड़कें, पुल नहर आदि को बनाने का उद्योग जो हो जाता है उसे कहते हैं क्या निर्माणी उद्योग क्या कहेंगे भाई निर्माणी उद्योग कहेंगे निष्कर्ष या निर्माणी नहीं निर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग दो में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं रुकिएगा रुकिएगा ठीक है यहां पर थोड़ा तो सा रोकीगा देखो इसका आंसर जो होगा क्योंकि तो पहले दे रखा है रचनात्मक उद्योग लास्ट में दे रखा है निर्माणी तो पहले कहां जाएंगे रचनात्मक उद्योग की ओर जाएंगे रचना हो रही है ना बिल्कुल तो भवन सड़कें और पुल नहर आदि का बनाने की बात रही बिल्कुल रचना की जा रही है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा होगा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बा होगा रचनात्मक उद्योग कहेंगे निर्माण उद्योग इसे नहीं कहा जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन सा जननिक उद्योग है तो जननिक उद्योग कौन सा है बताना है पशुपालन शिकार करना खनिज पदार्थ निकालना बनों से लकड़ी काटना तो बताना है जननिक उद्योग कौन सा है बिल्कुल तो जननिक उद्योग जहां पर कह सकते हैं कि पैदावार में वृद्धि करे है ना जनन करे तो यहां पर क्या पालन हो जाएगा पशुपालन हो जाएगा पशुपालन जनन क्या होता है ना बिल्कुल तो आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है तो निष्कर्षण उद्योग कौन सा है आपको बताना है निष्कर्षण उद्योग पहला हो जाएगा पशुपालन वन उद्योग शिकार करना भवन निर्माण तो राइट आंसर क्या होगा निष्कर्षण उद्योग की बात हो रही है बिल्कुल तो ये हो जाएगा अपना शिकार करना क्या हो जाएगा भाई शिकार करना हो जाएगा निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मछली पालन निम्नलिखित में से कुछ उद्योग के अंतर्गत आता है जो मछली पालन होता है वो किसके अंतर्गत आता है बताना है रचनात्मक उद्योग निष्कर्षण उद्योग जननिक उद्योग या फिर निर्माणी उद्योग तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा तो मछलियां क्या करती हैं भाई जनन करती हैं ना तो यहां पर क्या हो जाएगा जननिक उद्योग हो जाएगा क्या होगा जननिक उद्योग हो जाएगा क्योंकि जनन करती है फिर नए बच्चे का निर्माण तो होता है ठीक है वो मांस के लिए हो जाता है यूज फिर जनन करती हैं कुछ मछलियाँ फिर क्या होता है फिर जनन करती हैं फिर मछलियाँ तैयार होती हैं तो मांस वहां से मिल जाता है ठीक है और जनन भी हो जाता है तो राइट आंसर तो जननी होगा आगे बढ़ते हैं दुग्ध उत्पादन को निम्नलिखित में से किस उद्योग में सम्मिलित किया गया है जो दुग्ध उत्पादन होता है उसके लिए किसमें सम्मिलित किया गया है यहां पर आपको बताना है रचनात्मक उद्योग सॉरी ओकेगा यहाँ पर थोड़ा सा अब देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है यहां पर देखिएगा अब आंसर क्या रहने वाला है कह रहा है दुग्ध उत्पादन को निम्नलिखित में से कुछ उद्योग किस उद्योग में सम्मिलित किया गया है रचनात्मक उद्योग जनिक उद्योग या निर्माण उद्योग फिर देखा है निष्कर्षण उद्योग तो राइट आंसर अपना क्या होगा अभी बिल्कुल दुग्ध उत्पादन को निम्नलिखित में से कुछ उद्योग में सम्मिलित किया गया है तो यह किया गया है जननिक उद्योग में क्योंकि बच्चों को क्या मिलता है भाई दूध मिलता है ना दूध पिलाती हैं करने के बाद में तो यह कैसा होगा जननिक उद्योग रहने वाला है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भवन निर्माण भवन है यहां पर ठीक है भवन निर्माण निम्नलिखित में से किस उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है तो किस उद्योग के अंतर्गत करेंगे भवन निर्माण को अभी हमने देखा था ना बिल्कुल तो वही आंसर देना है निर्माणी उद्योग निष्कर्षण उद्योग या फिर जनिक उद्योग या फिर रचनात्मक उद्योग तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भी बिल्कुल तो ये कैसा है रचनात्मक उद्योग हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवसाय और उनके सहायकों को मिलाकर कहते हैं व्यवसाय और उनके सहायकों को, को मिलाकर क्या कहते हैं वो आपको बताना है व्यापार पेशा वाणिज्य या फिर उद्योग तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा

कि णिज्य क्या है, है व्यवसाय और उनके सहायकों को, को मिलकर मिलाकर कहते हैं मतलब टोटल व्यवसाय चल ही रहे हैं और उनके सहायक जो हैं इधर उधर से सहायता मिल रही है वो भी वाणिज्य के अंतर्गत ही आएंगे ठीक है जैसे बैंक बैंक से मिला किसको व्यवसाय करने के 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 तो भी किस में आए अंतर्गत आ गई ठीक है तो बात करते हैं वाणिज्य में कौन सा सम्मिलित है तो व्यापार और व्यापार के की सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो सारी की सारी सम्मिलित होती हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे से तात्पर्य क्या है पैसे से तात्पर्य है क्या है वह आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है माल और सेवाओं का क्रय विक्रय विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करके धनोपार्जन करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर अपना क्या होगा पेशे से क्या तात्पर्य है पेशे से क्या आशय है बिल्कुल तो यहां पर जो सा वो राइट हो जाएगा पेशा किसे कहते हैं पेशे कहते हैं विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्तियों को व्यक्तिगत सेवा करके धनो और धनो धनोपार्जन करना है तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा ठीक है विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण द्वारा व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करके धनोपार्जन करना है मतलब उन्हें धन देना है ठीक है तो ये क्या होगा पेशे से संबंधित हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट को देखिएगा व्यवसाय वाणिज्य उद्योग व्यवसाय वाणिज्य और उद्योग और तथा व्यापार में परस्पर क्या संबंध है इनमें संबंध क्या है ये आपको बताना है कि व्यवसाय बाणिज उद्योग और व्यापार में संबंध पहला दे रखा है कि व्यापार वाणिज्य का प्रमुख अंग है उद्योग और वाणिज्य व्यवसाय के अंग हैं वाणिज्य व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग है या फिर उद्योग वाणिज्य व्यवसाय के अंग और व्यापार वाणिज्य का अंग है तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा भाई बिल्कुल तो जो राइट वाला दा वाला होगा वो बिल्कुल लास्ट वाला राइट हो जाएगा अपना क्या कह रहा है व्यवसाय वाणिज्य उद्योग और व्यापार में क्या संबंध है तो यह हो जाएगा उद्योग और वाणिज्य व्यवसाय के अंग है ध्यान रखना उद्योग और जो वाणिज्य होते हैं वो किसके अंग हैं व्यवसाय के अंग हैं बिल्कुल सही व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग भी आएंगे और वाणिज जाएंगे जो उनकी सहायता करते हैं वो भी आ जाएंगे और जो उद्योग है वो भी हो जाएंगे ठीक है और बात करते हैं फिर कह रहा है एवं व्यापार वाणिज्य का अंग है जो व्यापार है वो भी किसका अंग है वाणिज्य का अंग है तो बिल्कुल सही इस प्रकार से ये संबंधित हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं यहां है बैंक और बीमा कह, कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बैंक और बीमा कहलाते हैं उद्योग वाणिज्य व्यापार में व्यापार के सहायक या फिर पेशा तो राइट आंसर क्या रहने वाला है बिल्कुल बैंक और बीमा कहलाते हैं क्या कहलाते हैं भाई व्यापार के सहायक कहलाएंगे ठीक है ठीक है क्या कहलाएंगे देखो बाणिज तब कहते जब ये नहीं होता जब ये नहीं होता तब हम बाणिजिक कह देते कि बाणिजिक में सम्मिलित हो जाएंगे सम्मिलित हो जाते हो तो कह होगा वाणिज्य में मगर कह रहा है बैंक और बीमा कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो कहेंगे व्यापार के सहायक कहलाएंगे तो राइट आंसर अच्छा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसको देखिएगा क्या रहने वाला व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है जो व्यवसाय है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है आपको बताना है ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति आगे दे रखा है श्रमिकों कर्मचारियों के प्रति अंशधारियों के प्रति उपयुक्त सभी के प्रति तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा भाई उपयोक्त सभी के प्रति हो जाएगा व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है जो व्यवसाय है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है ग्रह ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति होगा बिल्कुल सही कि ग्राहक कैसे हैं उपभोक्ता कैसे हैं लेने वाले हैं ना तो इस प्रकार संबंध हो जाएगा मतलब खाने वाले उन्हें और बात करते हैं श्रमिकों और कर्मचारियों के प्रति भी होगा और अंशधारियों के भी प्रति होगा ठीक है जो उसमें अंश डाल रहे हैं तो बात करता है का मतलब हिस्सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है व्यापारिक संगठन व्यापारिक संगठन के बारे में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्यावसायिक संगठन है व्यावसायिक संगठन है क्या कला विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों इनमें से कोई नहीं तो व्यावसायिक संगठन क्या है व्यवसायिक संगठन जो है वो है क्या तो ये कला और विज्ञान दोनों है ठीक है कला और विज्ञान दोनों है आगे बढ़ते हैं क्योंकि कला कला भी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए कला भी होनी चाहिए एक आ, कला है है ना कचर है और बात करते हैं विज्ञान विज्ञान से रिलेटेड मतलब विज्ञान तो होगा ही होगा व्यवसाय में क्या है अगर विज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है तो दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य है व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य क्या है न्यूनतम न्यूनतम व्यपर अधिकतम उत्पादन व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति रोजगार के अवसरों के सर्जन या उपयुक्त सभी तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए भाई उपयुक्त सभी होना चाहिए है ना क्योंकि व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं न्यूनतम व्यापार अधिक उत्पादन बिल्कुल होना चाहिए व्यवसायिकों के उद्देश्यों की प्राप्ति कि जो उनके उद्देश्य हैं वो उन्हें मिलते रहें है ना तो ये भी सही हो जाएगा और, और रोजगारों के अवसर सृजन अगर रोजगार उसमें होंगे ये भी अच्छी बात है ठीक है तो सारे के सारे यहाँ पर राइट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यवसाय में असफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है व्यवसाय में सॉरी व्यवसाय असफलता नहीं सफलता ठीक है तो व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या है पूंजी प्रवर्तन कुशल व्यवसायिक संगठन उत्पादन में विशिष्टीकरण तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है आवश्यक है क्या ये आपको बताना है तो आवश्यक है कुशल व्यवसायिक संगठन अगर आपका कुशल व्यवसायिक संगठन है जो आपने संगठन बनाया है अगर वो अच्छा है कार्य करने में अगर कार्य करने में अच्छा है तो आप बिल्कुल सफल होगेगा कार्य करने में अच्छा नहीं है तो सफल नहीं हो पाओगे आगे बढ़ते हैं व्यवसाय का प्रवर्तन, तो व्यवसाय का प्रवर्तन के बारे में देखेंगे रेखा है व्यवसाय के प्रवर्तन से व्यवसाय के प्रवर्तन से आस क्या है यह आपको यहां पर बताना है प्रारंभ करने से स्थापित करने से विकास करने से या फिर इनमें से कोई नहीं तो व्यवसाय का प्रवर्तन मतलब उसे किस प्रकार से तैयार किया जाए तो क्या हो जाएगा व्यवसाय का प्रवर्तन से तात्पर्य क्या है प्रारंभ करने से है किसे प्रारंभ करने से है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा प्रवर्तन से आस व्यापार थोड़ा सा तो करेंगे दिख नहीं रहा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ठीक है इसको देखिएगा यहां देखा है परिवर्तन से आस व्यापार संबंधी सुअसरो सु अवसरों की खोज करने तथा उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य में पूंजी समाप्ति पूंजी अच्छा। संपत्ति और प्रबंधकीय योजना का व्यवसायिक संस्था के रूप में संगठित करने से है यह परिभाषा किसकी है अच्छा एक बार दोबारा पढ़ते हैं प्रवर्तन से आज से व्यापार संबंधी सुअवसरों की खोजों उनके खोज करने एवं उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति और प्रबंधकीय योग्यता को व्यवसायिक संस्था के रूप में संगठित करने से है यह परिभाषा किसकी है बहुत लंबी परिभाषा दे रखी है कोई बात नहीं ठीक है तो ये है किसकी यहां पर आपको देखना है पहला दे रखा है प्रो ई एस मीड एस मीड की या फिर सी डब्ल्यू बर्ग की या फिर हो जाता है गूथमैन डुगल की और दे रखा है तुम्हारा डॉक्टर एच ई हॉगलैंड की तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल तो यहां पर जो तो राइट आंसर होगा सी डब्ल्यू इस्टनबर्ग की हो जाएगी सी डब्ल्यू इस्टनबर्ग की हो जाएगी ठीक है प्रवर्तन से आज से व्यापार संबंधी अवसरों को खोज करने तथा तो उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य की पूंजी संपत्ति और प्रबंधकीय योग्यता को व्यावसायिक संस्था के रूप में संगठित करने से है अच्छा मतलब संगठित करने की बात हो रही यहाँ पर संगठित मतलब क्या है इकट्ठा करना किसमें वर्ग ने किसमें वर्ग में इकट्ठा करना है भाई वर्ग में है ना मतलब वर्ग बनाने हैं ठीक है थीके? इस प्रकार से कह सकते हैं इकट्ठा करना है वर्ग तो क्या है एक प्रकार से इकट्ठा ही तो करना है दो का मेल होता है वर्ग ठीक है तो उस प्रकार से याद कर सकते हैं भाई क्या याद कर सकते हैं संगठित करना मतलब इकट्ठा करना मतलब वर्ग करना तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा ट्रिक बन जाती है हमारी ठीक है संगठित करने की बात करें टाइन्टली का लगाना है सी डब्ल्यू इस्टन आगे बढ़ते हैं उपक्रम उपक्रम स्थापना अच्छा ठीक है यहां पर की होगा ठीक है की होगा कह रहा है उपक्रम स्थापना की प्रथम अवस्था क्या है उपक्रम अवस्था स्थापना की प्रथम अवस्था क्या है आपको बताना है व्यवसायिक वातावरण की व्यवसायिक वातावरण की जांच या फिर व्यवसायिक विचारों की खोज विचारों का विश्लेषण चयन फिर देखा है तुम्हारा आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा उपक्रम स्थापना की प्रथम अवस्था क्या है तो वह क्या हो जाएगी भाई वह अपना हो जाएगी व्यावसायिककरण विचारों की खोज करना देखो यहां पर कैसे याद करेंगे उपक्रम स्थापना कोई उपक्रम की स्थापना कर रहा है कि प्रथम अवस्था क्या होगी कोई उपक्रम उसने तैयार किया उसकी स्थापना करना चाह रहा है अब वो कह रहा है उसकी प्रथम अवस्था क्या होगी व्यवसायिक वातावरण की, की जांच होगी बिल्कुल नहीं विचारों का विश्लेषण एवं चयन होगा बिल्कुल नहीं आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण होगा बिल्कुल नहीं के विचारों की खोज होगी जो व्यवसायिक विचार जो हैं वो कैसे कैसे आएंगे इस उपक्रम के अंतर्गत तो हमारा पर हमारा क्या हो जाएगा प्रथम आवश्यक हो जाएगा ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ई एस मीड के अनुसार प्रवर्तन के तत्व हैं ई एस मीड के अनुसार प्रवर्तन के तत्व कौन से हैं दो चार छ आठ तो राइट आंसर अपना क्या होगा अभी एस ई एस मीड के अनुसार प्रवर्तन के तत्व कितने हैं तो वह हो जाते हैं चार हो जाते हैं कितने चार हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसको देखिएगा यहां देखा है सफल व्यवसायी के गुण हैं सफल व्यवसायी के गुण कौन से हैं आपको बताना है एक सफल व्यवसायी में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए एक सफल व्यवसायी में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए यह आपको बताना है आत्मविश्वास जोखिम बहन जोखिम बहन करने की क्षमता दृढ़ दृष्टि और हो जाता है अपना उपयुक्त सभी तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा अब सभी को पता है यहां पर सभी रहने वाला है एक सफल व्यवसाय व्यवसायी में में निम्नलिखित से कौन सा गुण होना चाहिए? आत्म होना चाहिए चाहिए आत्मविश्वास सफलिश्वासम बहन करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर और दूरदृष्टि होनी चाहिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा नेक्स्ट रखा है एक सफल व्यवसाय के, के लिए आवश्यक गुण है कौन सा गुण आवश्यक है देखा है नव प्रवर्तन करता फिर देखा है आशा बाधिता फिर देखा है नेतत्व क्षमता उपयुक्त सभी तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर भी उपयुक्त सभी रहने वाला एक सफल व्यवसायी के लिए आवश्यक गुण क्या है तो भाई उसे नव परिवर्तन करता होना चाहिए वह और आशा बाधिता होना चाहिए नेतृत्व क्षमता उसके अंदरगत तो होनी चाहिए तभी वह सब कुछ कर पाएगा आगे बढ़ते हैं एक सफल व्यवसायी के लिए कौन सा गुण निक्षेपित नहीं है कौन सा गुण निक्षेपित नहीं है यह आपको बता सॉरी अपेक्षित नहीं है तो पहला रखा है निर्णय क्षमता फिर रखा है तुम्हारा अवसर बाधिता जोखिम बहन क्षमता नव प्रवर्तन करता तो यहां पर गलत कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है तो वो क्या होगा अवसर बाधिता ये बिल्कुल गलत है अपेक्षित नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बापना हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट रखा है तुम्हारा व्यवसायिक संगठन के प्रारूप व्यवसायिक संगठन के प्रारूप कौन कौन से होते हैं क्या इसमें आता है इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में बात करते हैं फर्स्ट व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप होता है कौन सा होता है बताना है प्राचीनतम स्वरूप है कौन सा है संयुक्त पूंजी कंपनी दे रखा है सहकारी संगठन एकल व्यापार और साझेदारी राइट आंसर अपना क्या होगा तो व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम जो स्वरूप होता है वह कौन सा होता है एकल व्यापार होता है प्राचीनतम स्वरूप की बात कर रहा है तो क्या होगा एकल व्यापार होगा आगे बढ़ते हैं एकाकी व्यापार की, की निम्नलिखित विशेषता है एकाकी व्यापार की, की निम्नलिखित विशेषता कौन सी है आपको बताना है एकाकी स्वामित्व स्वामित्व दूसरा तरीका है सीमित दायित्व असीमित पूंजी असीमित कार्य क्षेत्र तो राइट आंसर अपना क्या होगा एकीकरण व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएं क्या होती हैं एकीकरण स्वामित्व होता है क्या होता है एकीकरण स्वामित्व होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एकल स्वामी का दायित्व है एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है आपको बताना है व्यवसाय में उसके द्वारा विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है व्यवसाय में उसके द्वारा विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है व्यावसायिक सम व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है व्यावसायिक संपत्तियों और उनकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा ठीक है एकल स्वामी एकल स्वामी का दायित्व क्या है तो एकल स्वामी का जो दायित्व होता है वो होता है व्यवसायिक संपत्ति तथा उसकी समस्त नीति आ, समस्त निजी संपत्तियों का मूल्य तक सीमित होता है ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। एकल साव का दायित्व व्यवसायिक संपत्ति उनकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है एकाकी व्यापार में स्वामी का दायित्व होता है एकाकी व्यापार में स्वामी का दायित्व क्या होता है आपको बताना है विनियोजित पूंजी तक सीमित असीमित इनमें से कोई नहीं क्या होता है तो वह होता है भाई असीमित एकाकी व्यापार में स्वामी का दायित्व क्या होता है असीमित होता है कितना भी वह व्यापार कर सकता है बात करते हैं आगे यहां देखा एकल है एकल स्वामित्व उपयोगी है एकल स्वामित्व जो होता है वो क्यों उपयोगी होता है ये आपको बताना है अधिक पूंजी वाले उद्योग के लिए बृहद औद्योगिक इकाइयों के, के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए या फिर छोटे व्यवसाय के लिए तो राइट आंसर अपना क्या होगा एकल स्वामित्व उपयोगी इसलिए होता है छोटे व्यवसाय के लिए छोटे आप कर रहे हो, तो एकल आराम से अकेले ही काम कर जाओगे संगठन के किस, किस तो संग के किस स्वरूप में अधिक गोपनीयता बनी रहती है किसमें बनी रहती है आपको बताना है सहकारी संगठन संयुक्त साहस संयुक्त सह। साहस साझेदारी या फिर एकल व्यापार तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है बिल्कुल देखो यहां कह रहा है व्यवसायिक संगठन के किस स्वरूप में अधिक गोपनीयता बनी रहती है अधिक गोपनीयता कैसे होगी जब एकल व्यापार होगा अगर आप अकेले व्यापार करोगे तो उसकी गोपनीयता अपने तक सीमित रहेगी अगर दो करोगे तो वो किसी तीसरे को बता सकता है ठीक है तो अपने अगर एकल व्यापार कर रहे हो तो यहां पर गोपनीयता जो होती है वह बनी रहती है आगे बढ़ते हैं देखा एकाकी नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यह कथन किसका है एकाकी नियंत्रण जो है वो विश्व सर्वश्रेष्ठ है यह कथन किसका है मतलब अगर एक तक सीमित है तो वह सर्वश्रेष्ठ है अगर दो तक सीमित होगी तो वह सर्वश्रेष्ठ नहीं होगी यह यहां पर यह कथन किसका है बिल्कुल पहला दे रखा है अपना अलग करते हैं है तुम्हारा किम्बाल एवं किम्बाल और देखिएगा यहां देखा है विलियम एवं बैसेट एल एच है जॉन ए सुबिन तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा तो तो इसका राइट आंसर होगा विलियम और बेसेंट कौन जाएगा विलियम और बेसेट तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा एकाकी नियंत्रण विश्व के सर्वश्रेष्ठ है एकाकी नियंत्रण जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है ये कहा था विलियम और बेसेट ने ठीक है तो इसे याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं एकल स्वामित्व का मुख्य दोष क्या हो कौन सा है एकल स्वामित्व जो होता है उसका मुख्य दोष क्या होता है ये आपको बताना है सीमित पूंजी सीमित क्षेत्र सीमित साख या फिर हो जाता है असीमित दायित्व तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा एकल स्वामित्व का मुख्य दोष कौन सा है तो वो है असीमित दायित्व दायित्व बहुत सारे होते हैं और उन्हें कर नहीं पाते तो अकेला बंदा है तो कैसे कर पाएगा है ना तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है यही दोष है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा पंजीयन अनिवार्य नहीं है कौन सा पंजीयन अनिवार्य नहीं है वो आपको बताना है संयुक्त पूंजी कंपनी साझेदारी एकल व्यापार सहकारी संगठन तो कौन सा पंजीयन कौन सा पंजीयन अनिवार्य नहीं है अगर आप एकल व्यापार कर रहे हो तो कोई पंजीकरण अनिवार्य नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में साझेदारी अधिनियम जो हुआ था वो कब लागू हुआ था उन्नीस सौ बाईस उन्नीस सौ बत्तीस उन्नीस सौ बयालीस उन्नीस सौ बावन राइट आंसर अपना क्या होगा बिल्कुल तो इसका जो तो राइट आंसर होगा 1932 हो जाएगा साझेदारी अधिनियम जो आया था वो 1932 में आया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए एक साझेदारी अगर आप फर्म कर रहे हो तो उसमें साझेदारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए मिनिमम तो यहां पर दे रखा है भी दो होनी चाहिए ना कम से कम की बात कर रहा है मिनिमम कर रहा है तो इस मतलब दो ही होगी है ना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा यहां पर दे रखा है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं एक साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या है सा, अब सामान्य व्यापार में साझेदारियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है वहां पर देखा था न्यूनतम अब दे रखा है अधिकतम अधिकतम कितनी होती है सात दस बारह या फिर बीस तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए भाई अधिकतम बीस होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है बैंकिंग व्यवसाय

तो एक हो जाएगा तो क्या एक अंक की बिंदी एक दो दो अंक की बिंदी लग गई तो एक एक लिख देना एक जीरो लिख देना इस प्रकार से याद कर लेना ठीक है और सामान्य साझेदारी में बीस याद कर लीजिएगा न्यूनतम दो और दो के बाद जीरो लगा दीजिए तो बीस हो जाएंगे तो ये आपको इस प्रकार से याद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा साझेदारी में साझेदारों की संख्या डैश से अधिक होने पर साझेदारी अवैध हो जाती है मतलब अवैध हो जाती है कानून से परे हो जाती है तो बताना है कौन सा होगा साझेदारी में सादेदारी में सादेदारों की संख्या से डैश अधिक होने पर सादेदारी अवैध हो जाती है तो कितने पर हो जाती है वह आपको बताना है बिल्कुल देखो साझेदारी में साधेदारों की संख्या 20 से अधिक हो जाने पर साधेदारी जो अवैध हो जाएगी कैसे होगी अवैध हो जाएगी कानून में सिर्फ 20 ही रखे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पंजीयन है साझेदारी का जो पंजीयन है वो क्या है ऐच्छिक है भारतीय साझेदारी अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत अनिवार्य है या भारतीय भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है असीमित सॉरी के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट इसका आंसर क्या क्या होगा देखो यहां दे रखा है है साझेदारी का पंजीयन भाई अनिवार्य है कैसा है ऐच्छिक है ऐच्छिक है और अनिवार्य है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा ठीक है ऐच्छिक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है साझेदारी के लिए साझेदारों के मध्य कैसा अनुबंध होना चाहिए साझेदारी के लिए साझेदारों का मध्य कैसा अनुबंध होना चाहिए मतलब उसके अंदर कैसा अनुबंध होना चाहिए मौखिक लिखित या अपना गर्भित उपयुक्त सभी तो भाई इसमें तो कैसा होना चाहिए साझेदारी के लिए साझेदारों के मध्य कैसा अनुबंध होना चाहिए लिखित होना चाहिए लिखित कैसा लिखित होना चाहिए आगे बढ़ते हैं यह तरीका है साधेदारी फर्म में साधेदारों के मध्य संबंध होता है साधेदारी जो फर्म होता है उसमें साधेदारों के मध्य कैसा संबंध होता है प्रधान एजेंट स्वामी सेवक प्रधान दलाल प्रधान प्रबंधक तो राइट आंसर हमारा क्या होगा तो साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य संबंध क्या होगा सबसे बड़ा तो हो जाएगा प्रधान और आ हो जाएगा। देखे हो एजेंट बने फर्म में साझेदारों का, का दायित्व होता है क्या दायित्व होता है आपको बताना है स्वयं द्वारा लगाई गई पूंजी पर सीमित या फिर स्वयं स्वयं द्वारा दी गई गारंटी की राशि पर सीमित स्वयं द्वारा फॉर्म को दिए गए सृढ़ की राशि तक सीमित या असीमित तो राइट आंसर हमारा क्या होगा एक साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है कितना होता है असीमित होता है कितना भी अनलिमिटेड कितना भी दे सकते हो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रखा है निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं जो तो निष्क्रिय साझेदार होते हैं उसे आ, किसे कहते हैं आपको पूछ रखा है जो फर्म से सेवानिवृत्त हो चुका है जो फर्म से लाभ में अपना हिस्सा नहीं मांगता है जो फर्म से व्यवसाय में संचालन में कोई हिस्सा नहीं लेता है या फिर उपयुक्त सभी तो राइट right आंसर क्या होगा बिल्कुल तो यहां पर जो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं जो निष्क्रिय साझेदार होता है जो फॉर्म के व्यवसाय के संचालन में कोई हिस्सा नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं जो हिस्सा नहीं लेगा उसे निष्क्रिय साझेदार कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक आवश्यक एक आवश्यक को एक आवश्यक को किसी साझेदारी फर्म में क्या होना चाहिए आपको बताना है साझेदार बना बनाया जा सकता है एक आवश्यक को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है साझेदार नहीं बनाया जा सकता है सभी साझेदारियों की सहमति से फॉर्म के लाभ में हिस्सेदार बनाया जा सकता है उपयुक्त से में से कोई नहीं तो राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा एक वैश्यक एक सॉरी एक आवश्यक को किसी साझेदारी फर्म में सभी साझेदारियों की सहमति से फॉर्म में लाभ में फॉर्म के लाभ में हिस्सेदार बनाया जा सकता है राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा ठीक नेक्स है नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां देखा है निम्नलिखित में से कौन साझेदार नहीं हो सकता तो कौन साझेदार नहीं हो सकता आपको बताना है एक पागल व्यक्ति एक निगल निगम या फिर एक अवश्य एक आवश्यक या फिर उपयुक्त सभी तो यहां पर बताना है कौन सा राइट हो जाएगा तो कौन नहीं हो सकता तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकते है ना उपयुक्त सभी नहीं हो सकते निम्नलिखित में से कौन साझेदार नहीं हो सकता तो एकल पागल व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं होगा एक निगम है तो भी नहीं होगा एक

बिल्कुल तो यहां पर हो जाएगा एक साझेदारी फॉर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा कब जब यदि फॉर्म का कारोबार जो होगा अवैध हो जाएगा तो उसका समापन हो जाएगा ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा फॉर्म हानि होगी तो थोड़ी समापन होगा फिर से तैयार करेगा व्यक्ति फिर लगाएगा वहां पर पैसा फिर कह रहा है यदि फॉर्म के किसी साझा की मृत्यु हो जाएगी तो नया रख लेंगे या फिर नहीं भी रखेंगे तो क्या यदि फॉर्म का कोई व्यक्ति पागल हो जाएगा तो उसे निकाल के दूसरा रख लेंगे या उसकी फैमिली में से किसी को रख लेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं याद रखा है प्रजातांत्रिक ढंग प्रजा प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित व्यवसायिक संगठन है कौन सा है आपको बताना है पहला एकल व्यापार कंपनी संगठन उपयुक्त और बाद दोनों साझेदारी संगठन तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है कह रहा है प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित व्यवसायिक संगठन है तो वह कौन सा है कंपनी संगठन है भाई कौन सा है प्रजातांत्रिक की बात करेंगे तब तो कौन सा है कंपनी संगठन है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्यवसायिक संगठन से स्वामियों का अस्तित्व पृथक होता है व्यवसायिक संगठन से स्वामियों का अस्तित्व पृथक होता है एकल व्यापार संगठन में कंपनी संगठन में साझेदारी संगठन में या फिर इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर अपना क्या होगा कह रहा है व्यवसायिक संगठन से स्वामित्व का स्वामियों का संग, अस्तित्व संगठन होता है तो किससे होता है यह भी होता है कंपनी संगठन से व्यवसायिक संगठन में स्वामियों का अस्तित्व पृथक होता है तो यह होता है कंपनी संगठन में ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम पारित हुआ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था यह आपको बताना है 1844 सो 1800 उन्नीस 1850 पचास अठारह सौ पचास अठारह सौ सत्तावन अठारह सो साठ तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम जो आया था वो आया था 1850 में कब आएगा 1850 में आगे बढ़ते हैं वर्तमान कंपनी अधिनियम का पारित हुआ ये हुआ था प्रथम भारतीय कंपनी अधिनियम अब आगे वर्तमान कंपनी अधिनियम का पारित हुआ था ये आपको बताना है उन्नीस 1955 1956 1900 सॉरी 2013 तो राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा तो वर्तमान कंपनी अधिनियम जो आया था वो आया था उन्नीस और दो में कब आया था दो में आया था इसे आपको याद रखना है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे बात करें भारत में कब आया तो भारत में 1850 और वर्तमान कंपनी अधिन की बात करें तो 2013 हजार तेरह आगे देखा है सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी है यह कथन किसका है सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी है यह कथन किसका है जस्टिस जेम्स का एल एच का, या फिर कम, आ, किम्बाल एवं किम्बाल का आ, फिर दे रखा है अपना लॉर्ड लिंडेल का तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल तो राइट आंसर हो जाएगा जिम्स जेम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा सॉरी जस्टिस जेम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा जस्टिस जेम्स हो जाएगा तो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी है अच्छा संघ कंपनी है संघ कंपनी है ध्यान रखना बस इतना तो क्या जाएगा जस्टिस जेम्स हो जाएगा ठीक है जस्टिस जेम्स संघ की बात करें खट्टा और जस्टिस जेम्स नु, 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 नु। तो याद कैसे करेंगे है ना ऐसा याद कर लो इस प्रकार से अगर इस प्रकार से पूछ ले सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी है तो मतलब संघ का मतलब क्या होता है इकट्ठा होना है ना संघ मतलब बहुत लोगों का संघ और कंपनी माने कंपनी तो बहुत चीज़ों का संघ करके बहुत चीज़ों का मेल करके क्या बनाते हैं एक बनाते हैं बनाते है ना जेल बनाते हैं जेल टमाटर जेल कहते हैं ना और मिक्सिंग जेल भी कहते हैं तो मिक्सिंग जेल बना देते हैं ठीक है मतलब बहुत सारे फ्रूटों का जेल हो जाएगा तो यहाँ पर जैम्स है ना जेम्स आप जानते हो बहुत सारे फलों का जेम्स बनाया जा रहा है जेल बनाया जा रहा है ठीक है जेम्स बनाया जा रहा है तो इस प्रकार से याद कर सकते हो संघ कंपनी जस्टिस जैम्स ठीक है याद रहेगा आपके लिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से व्यवसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन पंजीयन विधानता अनिवार्य है तो पंजीयन विधानता अनिवार्य किसमें है आपको बताना है एकल सात में बिल्कुल नहीं है साझेदारी में और सेकंड देखो संयुक्त स्कंदन कंपनी में साझेदारी में या सहकारी संगठन में तो यहां पर बताना निम्नलिखित में से व्यवसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधता अनिवार्य है तो वह कौन सा हो जाएगा भाई तो वह हो जाएगा अपना संयुक्त स्कंदन कंपनी में कंपनी में आप जानते हो वहां पर तो पंजीयन होता ही होता है ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी सॉरी कौन सा जाएगा भाई बी हो जाएगा तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हैं ठीक है थीके? देखते हैं अभी कहां तक जाएंगे इसे बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां रखा है संयुक्त कंपनी का प्रबंध एवं संचालन करते हैं तो संयुक्त कंपनी का प्रबंधन एवं संचालन करते हैं कौन करते हैं अंशधारियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कंपनी सचिव कंपनी के समस्त अंशधारी या फिर केंद्र सरकार तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कह रहे है संयुक्त पूंजी कंपनी का प्रबंध एवं संचालन करते हैं कौन करते हैं तो यह कहते हैं अंशधारी द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन करते हैं अंशधारी द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं आगे देखा है किसका दायित्व सीमित होता है किसका दायित्व सीमित है एकल व्यापार संयुक्त पूंजी कंपनी साझेदारी इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा दायित्व सीमित है तो उसका है संयुक्त पूंजी कंपनी का संयुक्त पूंजी कंपनी जो है उसका दायित्व सीमित होता है कितने सदस्य हो सकते हैं दस बीस पचास या फिर दो सौ कंपनी की बात कर रहा है कंपनी में कितने होंगे 200 होंगे अधिकतम व्यवसाय में कितने होंगे 20 होंगे अधिकतम ध्यान रखना दो जीरो आंसर याद रखा है एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी एक निजी कंपनी में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं अब न्यूनतम की बात कर रहा है तो कितने होंगे न्यूनतम की बात करेगा तो दोनों में कितने होंगे दो ही होंगे भाई न्यूनतम दो ही हो सकते हैं अधिकतम दो और वहां पर व्यवसाय में न्यूनतम दो अधिकतम बीस ठीक है आगे बढ़ते हैं कह रहा है एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो न्यूनतम कम कम तो तो एक, एक निजी कंपनी की, की बात थी और यहां पर कह रहा है एक सार्वजनिक कंपनी है उनमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है तो इसमें होती है न्यूनतम सात अगर सार्वजनिक की बात करेगा तो सात से सात देख लेना ठीक है सा से सात बना देना बस निजी बात करेगा तो दो ठीक है सार्वजनिक बात करेगा तो कितने सात सात से सात, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सात हो जाएगा सा हो जाएगा और सात ही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है अब अधिकतम संख्या की बात कर रहा है ये कितनी होती है तो ये कितनी भी हो सकती है मतलब असीमित होगी है ना बिल्कुल असीमित हो जाएगी ये असीमित होती है एक सार्वजनिक कंपनी मतलब बहुत सारे लोगों की कंपनी है तो इसमें क्या होगी सदस्यों की संख्या असीमित होगी अनलिमिटेड आगे बढ़ते हैं देखा है अंश सामान्य जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं जो अंश होते हैं वो सामान्य जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं एकल व्यापार द्वारा सार्वजनिक कंपनी द्वारा साझेदार द्वारा या फिर हो जाएगा निजी कंपनी के द्वारा तो राइट आंसर क्या होगा भाई सार्वजनिक कंपनी के द्वारा इसे कर सकते हैं अंश सामान्य जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं सार्वजनिक कंपनी के द्वारा बाकी नहीं कर सकती आगे बढ़ते हैं याद रेखा है सरकारी समितियों की पंजीयन कराना सरकारी समितियों को पंजीयन कराना ऐच्छिक है लाभदायक है अनिवार्य है निम्नलिखित में से कोई नहीं तो कैसा है भाई ये अनिवार्य होता है आगे बढ़ते हैं सरकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जो सरकारी समितियां होती हैं उसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है सहकारी समिति में बिल्कुल न्यूनतम की बात कर रहा है जो सरकारी समितियां होती हैं उनमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है भाई दस होती है कितनी दस होती है अब देख लेते हैं यहां पर अधिकतम कितनी होती है सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है बिल्कुल अधिकतम कितनी होती है बीस पचास दो सौ अरे भाई असीमित होगी कितनी होगी असीमित होगी वहां पर क्या था ध्यान रखना सार्वजनिक कंपनी थी अब यहां पर कह रहा है सहकारी समिति की बात कर रहा है सहकारी समिति में न्यूनतम होंगे दस और अधिकतम हो जाएंगे अनलिमिटेड असीमित नेक्स्ट की बात करते हैं एक सबके लिए सब एक के लिए एक सबके लिए सब एक के लिए किसका मूल्य मंत्र है एकाकी व्यापार का संयुक्त पूंजी कंपनी का साझेदारी का या फिर सहकारी संगठन का तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा एक सबके लिए सब एक के लिए किसका मूल मंत्र है तो ये किसका हो जाएगा सहकारी संगठन का हो जाएगा सहकारी संगठन का हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट है ये बार बार एग्जाम्पल पूछाओ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू होता है संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू होता है आपको बताना है कंपनी अधिनियम 2013 हज़ार तेरह साधेदारी अधिनियम उन्नीस भारतीय अधि भारतीय अनुबंध अधिनियम अठारह या फिर हिंदू कानून तो राइट आंसर क्या होगा भाई हिंदू कानून होगा ठीक है और बाकी जो बच जाते हैं वो किस में देखेंगे पार्ट सेकंड में देखने वाले हैं बहुत लंबा बन जाएगा वरना ठीक है पार्ट सेकंड में देखेंगे बाकी जो बच जाते हैं क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है अभी वो हम पार्ट सेकंड देखेंगे क्योंकि भाई हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं तो लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जय हिंद जय जै भारत